जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में आपको एडमिशन की जानकारी देंगे, तो जैसे ही आप डॉर्म एरिया में आते हैं आपको जाना है रूम नंबर 21 यानी 21 में, तो वहां आपको एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए अब विजिट करते हैं एडमिशन सेल की ओर, आइए चलते हैं। ये हमारे यहाँ का एडमिशन सेल है जहाँ पूरी एडमिशन की टीम बैठी रहती है, वो आपको जानकारी देगी एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे एडमिशन करवाना है, तो एडमिशन की पूरी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड होगी। आइए एडमिशन सेल की जो टीम है उनसे बात करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं एडमिशन सेल में, तो मैम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। मैम जैसे अपने यहाँ किसी को एडमिशन लेना हो तो वो किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, आप जानकारी दे सकते हैं? जी सर, अपने यहाँ पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, बी फार्मा, बीबीए, एमबीए एंड बीएचएम, और अपने यहाँ बीएलएलबी लॉ के सारे, मतलब एलएलएम तक पूरी डिग्री है। और इसके बाद अपने बीएससी नर्सिंग चला रहे हैं और अपना एमबीए, बीबीए आर्ट के सारे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज के साइंस सब्जेक्ट पूरा है, और अपने यहाँ देन डीवॉक भी चला रहे हैं। सबसे मेन कोर्स इस समय आया है बी डिजाइन के, और डिप्लोमा में अपना इस समय ज़्यादा जो फोकस जा रहा है वो डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब डिप्लोमा काफ़ी लोग कर रहे हैं, और अपने यहाँ पीएचडी भी होती है, बीएफए, एमएफए, इवन म्यूजिक भी चला रहे हैं, म्यूजिक का भी कोर्स चलता है। पीएचडी लगभग सारे सब्जेक्ट से होती है? जी सर, जिस कोर्स से डिप्लोमा डिग्री और है उसका पीएचडी भी अपने यहाँ पर है। तो आइए अब बात करते हैं हमारे एडमिशन सेल के टीम मेंबर श्री धीरज भाटी से, और जानकारी लेते हैं यदि बच्चा 12th के बाद आता है तो इसको किस लाइन में जाना चाहिए, कुछ लोगों का डिसाइड नहीं होता। नमस्कार, जब 12th करके बच्चा आगे की पढ़ाई के लिए सोचता है तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट उसके लिए यही रहता है कि आखिर बच्चा 12th की बात करेगा, क्योंकि हमारी कृष्णा यूनिवर्सिटी की वेल एजुकेटेड टीम है, जब बच्चा यहाँ आता है तो हम उसको उसके पहले तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछते हैं कि 12th के बाद वो क्या करना चाहता है, 12th में उसका कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उसके हिसाब से ही हमारे पास हर स्ट्रीम में कोर्सेस रन होते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, उसके हिसाब से बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ के हम उसको सही गाइडलाइन देते हैं जिस हिसाब से बच्चा आगे का अपना भविष्य निर्धारित कर सके। गांव से बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको जानकारी होती है इस कोर्स का नाम क्या है और इसमें मतलब कहां जा सकते हैं, तो उन सभी को बहुत अच्छी सी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो बच्चा जब गांव ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो उसके मन में जो सवाल होते हैं हम उसको काउंसलिंग तो करते ही करते हैं, साथ में लैपटॉप और डेस्कटॉप पे इंटरनेट के माध्यम से उसको भविष्य के बारे में भी बताते हैं कि इस कोर्स करने से उसको भविष्य में ऐसी जॉब मिलेगी या इस कोर्स को करने से वो भविष्य में अपना खुद का एक उद्योग स्थापित कर सकता। जैसा कि अभी हमने पूरी एडमिशन की जानकारी ली है, अच्छा सर, जैसे हमारे बच्चा कोई भी एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के बाद उसका क्या भविष्य हो सकता है, मतलब वो क्या करेगा, अपने यहाँ से कुछ उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा या उसको बाहर जाके कहीं कुछ काम करना पड़ेगा क्या? देखिए, जो जब बच्चा एडमिशन लेता है तो एक बच्चे का टारगेट होता है कि वो एक अच्छी जॉब एक्वायर करे, तो जॉब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे टीएनपी सेल बनाया हुआ है विश्वविद्यालय में, जो हमारा टीएनपी सेल है वो लगातार रेगुलरली अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट करता है, हमारे पास जिन कंपनियों की ईमेल्स आते हैं उन कंपनियों को भी हम बुलाते हैं, और वीक में 1 से 2 कंपनी यहाँ पे आकर के प्लेसमेंट करती है, और हमारी यूनिवर्सिटी जिस समय हमारे पास बच्चा आता है उसी समय हम बच्चे से कमिटमेंट कर देते हैं कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे, और शायद हमारा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जो बच्चे को 100% प्लेसमेंट की गारंटी देता है, तो हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को बता देते हैं। इवन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना कंपटीशन में अपना कैरियर देखते हैं, तो जब फाइनल ईयर में वो पहुंचता है या उसके आपका सेकेंड ईयर में पहुंचता है तो अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिशन में जाना चाहता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कॉम्पिटिशन की तैयारी भी अपने संस्थान से करवाते हैं, उसका हम लोग कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। इसके बाद जैसे कुछ पीजी कोर्सेज के बच्चे हैं तो पीजी के लिए हम लोग उसके अलग से कंपनीज बुलाते हैं जो पीजी कोर्सेज के हैं, पीएचडी कोर्सेज के लिए हम अलग से कंपनीज बुलाते हैं, तो ये हमारा 100% कमिटमेंट रहता है कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे, उसके लिए हम पूरा वर्क करते हैं। तो सर से जो जानकारी मिली है तो इससे ये पता चलता है कि यदि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसको बेरोजगार नहीं घूमना पड़ेगा, जो बेरोजगारी की समस्या है यहीं से रोजगार प्राप्त करवाया जाएगा, उसकी जॉब को प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट की जो गारंटी देते हैं बच्चे को यहीं से जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी।
तो अभी तक हमने एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई है। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे विश्वविद्यालय के नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6262618018 या 6262618016। इन नंबरों पे कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।